बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान परकी है। मैं हजारों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्चुअल कोच हूं। आज एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल टॉपिक स्टार्ट कर, यानी कि जिसके ऊपर लोगों में बहुत बहस होती है और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे इंडो पाक के नौजवान उसकी गिरफ्त में रहते हैं और उसके होने वाले एहसास नदामत की वजह से वो इतनी ज़हनी कैफियत उनकी अज़ियतनाक होती है कि वो डिप्रेशन, एनजाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स और क्या क्या जाने इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। आज का टॉपिक है मैस्टर्बेशन, जिसको उर्दू में मुश्तनी भी कहते हैं, हतरसी भी कहते हैं, जिल्क भी उसे कहते हैं, खुद लजती भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको मैस्टर्बेशन कहते हैं, पंजाबी में उसको मुठ कहते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से नौजवान अपने बहुत ज़्यादा ही अपने कर्म में रहते हैं। मेरे पास बेशुमार नौजवान आते हैं और उनके चेहरे पे एक बेचारगी वो आ रही होती है और वो बड़ी बेचारगी से कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने अपनी जवानी अपने हाथों ज़ाया कर दी, मुझे लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं, अब मैं मर जाना चाहिए, मैं शादी के काबिल नहीं रहा चूँकि मैं हाथ रसी करता रहा हूँ, मैं दस्ती लगाता रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारे बहुत नौजवानों में है, जो उनकी एक्टिविटीज़, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनका मेल जोल हर चीज़ के ऊपर असरअंदाज होती है। मेरे हिसाब से तो ये शायद इतना इम्पोर्टेंट मसला है जितना बेरोज़गारी और जहालत है इंडो पाक में। तो आज मैं कुछ आपको बताऊंगा कि कम से कम आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं, जो तस्वुरात हैं, वो ठीक हो जाएं कि ये मैस्टर्बेशन क्या हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, मुज़र है, या कि सेहतमंद है, या मासूम है, यानी कि कोई उसका भी ना नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और हम अलहदा करेंगे कि मिथ्स क्या है, रियलिटी क्या है। मिथ्स का मतलब होता है एक ऐसी गलत चीज़ जिसको लोग सच मानते हों, और रियलिटी वो है जो हकीकत है। तो मैं आज के नशिस्त में कोशिश करूँगा कि ये दोनों चीज़ें वाज तौर पर आपको दिखा दूं और उसके बाद फैसला करना, अमल करना वो आपका काम है। ये मुश्तरी जो है, ये आखिरकार इतनी कंट्रोवर्शियल बनी क्यों? पहली बात, इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं, इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं तो ये जो क्रिश्चियनिटी की जो ओल्ड टेस्टामेंट्स पढ़े वो उनकी किताब है, तो उसमें इसको एक बहुत बड़ा जुर्म बताया गया है। उसमें स्टोरी ऐसे है कि एक आदमी जिसकी शादी उसकी भाभी के साथ कर दी जाती है और वो नहीं करना चाहता और वो अपने स्पर्म्स को बाहर उछाल देता है, तो उसके ऊपर लानत की गई। अब उसने जो स्पर्म्स उछाले वो चाहता था कि उसका बच्चा ना हो उसमें से, उस पर लानत की गई। देखिए, इस बात को लगा दिया गया मुजसनी मैस्टर्बेशन के साथ अटैच कर दिया गया कि ये इतना बड़ा जुर्म उसने किया। नतीजा ये निकला कि तमाम क्रिश्चियन चर्च वो इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए और चर्च का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस ज़माने में कि वहाँ के डॉक्टर, उनके फिजिशियंस भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकते थे। सो उन्होंने भी वही चीज़ ज्वाइन कर ली और मैस्टर्बेशन के मतलब इंतहाई स्ट्रॉन्ग एक पब्लिक ओपिनियन, एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। मसलन उस ज़माने में तो ये कहा जाता था, बल्कि हमारे इंडो पाक में ये चीज़ अभी भी मानी जाती है कि मैस्टर्बेशन के नुकसान में कमज़ोरी, नमर्दगी, सूरतुल इंजाल, नज़र का कम हो जाना, पागलपन हो जाना, मिर्गी हो जाना, यानी कि आप जिस बीमारी का नाम लें, कहा जाता था कि इसकी बुनियाद जो है वो मैस्टर्बेशन है। तो लोग जो है, अब मैस्टर्बेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ऑल नेचुरल फिनोमेना है। मैं बताता हूँ ये नेचुरल फिनोमेना कैसे है कि बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखें गौर से कभी, वो अपने नफ्स को हाथ लगा के इंजॉय कर रहा होता है।
तो इसका मतलब है कि वो पैदाइशी तौर पर ही मैस्टरबेशन को स्टार्ट कर देता है। फिर वो जब देखता है कि इस चीज़ से मज़ा आता है, उस चीज़ को बार बार रिपीट करता है। ये इंसान की फितरत है। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप छुटकारा हासिल करना जिसके लिए बहुत मुश्किल है। मैस्टरबेशन में लोग सिर्फ समझते हैं कि हाथ का यूज़ ही सिर्फ मैस्टरबेशन है। नहीं, कई लोग तकियों के साथ कर रहे होते हैं सेक्स, ये भी उसी में आ जाता है। अपने थाइस के साथ वो रगड़ रहे होते हैं, ये भी मैस्टरबेशन ही है। यानी कि मैस्टरबेशन का यही मतलब है कि आप कोई इंटरकोर्स के अलावा कोई और तरीका कर रहे हैं डिस्चार्ज होने के लिए। सो वो कोई ना कोई तरीका यूज़ होता रहता है। अब ये एक ऐसी नागुजीर चीज़ है जो कभी ना कभी इंसान करता है। जब वो कर लेता है, नागुजीर से लड़ना एक इंतहाई हमाकत है। जब आप नागुजीर चीज़ से लड़ते हैं और बार बार शिकस्त खाते हैं तो आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, एहसास गुनाह का शिकार हो जाते हैं। सो आप दिल में वादा करते हैं कि मैं कभी नहीं करूँगा, और फिर जब आप कर लेते हैं तो फिर आप एहसास नदामत का शिकार हो जाते हैं। इसके पीछे असल में एक और मिथ भी शामिल है। वो मिथ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि लोगों का ख्याल है कि जो सीमन है, जो मनी है, ये इंतहाई ताकतवर चीज़ है। ठीक है, और जब बच्चा छोटा होता है तो उस मनी नहीं होती तो वो कमज़ोर होता है। फिर बुलूगत में आता है तो मनी निकलनी शुरू हो जाती है, तो साथ साथ ताकतवर भी हो जाता है। फिर वो बुढ़ापे में जाता है, मनी कम होने जा रही, और फिर वो उसमें कमज़ोरी भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये पिछले हमारे हुक्मा का ये ख्याल था कि हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास मिकदार है मनी की, जिसको अगर हम सेव करते रहें, यानी कि अपने खून के अंदर रखें, तो हम देर से बूढ़े होंगे, हमारे अंदर ताकत जो है वो ज़्यादा से रहेगी। तो इसको बचा बचा के रखना उनके लिए फ़र्ज़ हो गया। लेकिन ये एक ऐसा मिथ था जिसको साइंसदान जो है ना, वो उन्होंने भी जवाब देने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं आज आपको उसका जवाब दूंगा। असल में जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता है। ठीक है, टेस्टिस उसके पूरे मैच्योर नहीं होते। जो ही वो बुलूगत में आता है 12 से 14, तो एकदम स्पर्म्स उसकी जी सॉरी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। टेस्टिस उसके इलाज होते हैं, उसका नफ्स भी इलाज होता है, और वो जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक कुव्वत का माखिज है, जो मर्दाना यानी मर्दाना कुव्वत में सिर्फ सेक्सुअल ताकत नहीं है, आपकी मसल्स की पावर भी है, आपकी बोन्स की तक स्ट्रेंथ भी है, आपका खून का ज़्यादा होना भी, आपकी अकल का ज़्यादा होना भी। यानी कि टेस्टोस्टेरोन वो चीज़ है जो मर्द को औरत से अलहदा करता है। नतीजा ये निकलता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा कवि हो जाता है। तो लोगों ने ये सोचा कि असल में ये तो मनी है जो कि इंसान को ताकतवर बना रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये 50 के बाद ये गिरना शुरू हो जाता है, और जब ये गिरता है तो मनी की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, बंदा भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी हड्डियाँ भी वीक होनी शुरू हो जाती हैं, मसल भी वीक होने शुरू हो जाते हैं, मेमोरी भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये निकलता है। अब लोगों ने जब बात बना ली यार, लोगों ने कि यह सब मनी का ही कमाल है कि जो इंसान ताकतवर रहता है, हमें इसको बचा के रखना चाहिए, इसलिए जो मैस्टरबेशन है ये तो एक जहर कातिल है इंसान के लिए, और एक नागुजीर चीज़ जब इंसान ने बार बार करनी है, फिर एहसास कमतरी का शिकार होना है, फिर नदामत का शिकार होना है, फिर एहसास गुनाह शिकार होना है, तो नतीजा क्या निकलेगा? डिप्रेशन, एंजाइटी की चीज़ें तो फिर उसको सामना करना पड़ेगा। और डिप्रेशन और एंजाइटी, मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया था, ये ऐसे बीमारियाँ हैं कि जिसके सिम्टम्स जो हैं, अगर मैं गिनना शुरू हो जाऊँ तो मैं शायद आधा घंटा उसके डिफरेंट सिम्टम्स ही आपको बताता रहूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड़का जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन और सोमाटाइजेशन, साइकोसोमेटिक डिजीज़, अपने इनकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से जाना शुरू हो जाता है, तो वो उदास है, अकेला है, काम नहीं करता, याददाश्त की ठीक नहीं है, उसका फोकस ठीक नहीं है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, अटेंशन ठीक नहीं है, काम करने को दिल नहीं करता, हंसने को दिल नहीं करता, हर वक्त मायूस और मनफी सोचों का शिकार रहता है। तो अब वो बच्चा जिस
जो इन तमाम घबराहट उसमें रहती है, दिल की धड़कन तेज रहती है, हाथ पांव उसके कांपते हैं, खिंचाव जिसमें में रहता है, दर्दें रहती हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो डिटेल कितनी तफसील लंबी है। अब एक बच्चा जो इन चीज़ों में से गुजर रहा है एंग्जाइटी और डिप्रेशन में, और उसके पीछे उसका एहसास गुनाह है, तो अब लोग तो यही कहेंगे कि ये असल में शिकार है कसरत मुश्तनी का, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी है। उसको लोग डांटेंगे, उसको जलील करेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे, वो बेचारा और नीचे जाएगा, और ख़त्म होता जाएगा। सो ये मैं बता रहा था कि मुश्तनी जो है ये किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ये कितनी ज़्यादा बदनाम हो गई और लोगों ने इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच कर दी। अब हम आएंगे इस बात पे कि मुश्तनी जो है उसका क्या वाकई कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। जी मैं इसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि आम अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं लोग, बच्चे वही बच्चे जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर मैंने अपनी जवानी जो है वो अपने हाथों ज़ाया कर दी, तो उसका डॉक्टर कहता है चलो भाग जाओ तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। अच्छा वो भागा हुआ हकीम के पास जाता है, हकीम कहता है बिल्कुल तुम सही जगह पर आ गए हो, वरना तुम तो ख़त्म थे, तुम शादी के काबिल नहीं रहने थे, अभी भी शायद तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारी नाड़ें ख़त्म हो गई हैं, तुम्हारा सेक्स ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो वो उसकी बात सुनता है और फिर वो उसके दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है और हकीम उसको सारी ज़िंदगी फिर उसको लूटता है। ये हमारे डॉक्टरों की तरफ से भी ये एक कोताही मैं समझूंगा कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये एक नेचुरल चीज़ है और ये किस तरह ये नेचुरल है। तो लेकिन इसका नुकसान एक लेवल पे जाके शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं कि हर चीज़ का इत्तदाल ही बेहतरीन रास्ता है, इसमें भी उसका इत्तदाल ही चाहिए। अब देखिए बात यह है कि हम लोग 15 साल में बुलूगत में आ गए, 14 साल में शादी जो है ये हमारी जाके हो रही है 25 में 28 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई 12-13 साल हमने कोई हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है। यकीनी तौर पर जो जनाकारी है जो एक गुनाह कबीरा है, इस तरह ही लड़के का दूसरा इस्तेमाल, तो अब क्या चॉइस रह गई उसके पास, बच्चे के पास? बच्चे के पास चॉइस मास में मैस्टिबेशन की और कुछ भी नहीं है, जिसको वो इतना ख़तरनाक और वो समझता है। अब ये 15 साल वो बच्चा जो है वो कांटों पे गुजारता है, जब वो कांटों पे गुजारेगा तो यकीनी तौर पे इतने स्ट्रेस का शिकार होगा कि वो बीमार हो जाएगा। अच्छा अब अगर वो इतनी कसरत का वो शिकार हो जाता है, अब लोग कसरत का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, मतलब कसरत मैस्ट्रबेशन, कसरत मुस्तनी जो है ये मेरे हिसाब से एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। किस चीज़ का सिम्टम है? देखिए एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है तो जब वो मुस्तनी करता है तो थोड़ी देर के लिए वो रिलीफ फील करता है, अब वो बार 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 मैस्ट्रबेशन कर रहा है ताकि वो थोड़ा सा रिलीफ ले, तो इसका मतलब ये है कि असल में वो डिप्रेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो नहीं ठीक हो पा रहा। फिर कुछ लोगों में दिमाग में ख्याल फंस जाते हैं सेक्सुअल, वो जब आते हैं उसको हम ओसीडी टाइप बीमारी कहते हैं, जिसे वहम कहते हैं, जो बार 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 दिमाग में आता है और निकलता नहीं है, लोग उसके रिएक्शन में बार 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 मैस्ट्रबेशन करते हैं। सो बेसिकली वो बीमार हैं उस चीज़ के, और यहाँ पर भी मैस्ट्रबेशन एक सिम्टम के तौर पर उसके नतीजे के तौर पर सामने आ रहा है। फिर इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब बंदा जुनून की हालत में हो, बहुत मैस्ट्रबेशन कर रहा है, इस तरह कुछ जो स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है, वो भी लोग बाहर का सेक्स नहीं करते, मैस्ट्रबेशन पे लगे रहते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि असल में एक बीमारी है और उसमें मैस्ट्रबेशन एक सिम्टम के तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद यही इसका बीमारी की वजह है। सो मैं ये कहूँगा अगर एक आदमी बहुत मैस्ट्रबेशन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि एक समझे कि वो 20 दफ़ा हफ्ते में कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी पोशीदा है जो कि जिसकी वजह से वो ये करने पे मजबूर है। तो वो उसकी बीमारी उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा कर रही है,
जैसे मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन की मिसाल दी है, उसका जिस्म भी कमज़ोर हो रहा है, लागर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस ऐसे बच्चे का जो इलाज जो है वो होना चाहिए, यानी कि उसकी असल बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए ताकि उसकी मैस्ट्रबेशन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो सके और उसकी असल बीमारी ठीक होगी तो उसकी सेहत भी बेहतर होती जाएगी और ऐसा वो बहुत सेहतमंद हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, फिर मैस्ट्रबेशन अगर बहुत ज़्यादा करें तो ये भी होता है, कई लोग बहुत वैश्यों की तरह मैस्ट्रबेशन करते हैं, यानी कि मरोड़ते हैं उसे, नफ्स को कुछ करते हैं और ख़ास तौर पे टोपी के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर उसकी पेशाब की नाली होती है, पेशाब की नाली को भी साथ रगड़े होते हैं, नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पर पस इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से उनमें बुखार आना शुरू हो जाता है तो पेशाब भी लग के आना शुरू हो जाता है। तो ये तो एक वाज़ेह तौर पर बीमारी है, करनी है तो इंसानों की तरह करें ना, सलीके से करें और ज़रा टोपी से दूर दूर ज़रा थोड़ा सा हाथ लगाएं तो बेहतर है। फिर कुछ लोग जो हैं वो साबुन का यूज़ कर रहे होते हैं, साबुन भी इरीटेशन कर रहे होते हैं, नुकसानदेह होती है। खुश्क हाथों से भी करना ये भी ठीक नहीं है, ये भी स्किन के ऊपर इतनी हीट पैदा कर देती है कि स्किन जो है इनसेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। सो इस तरह ये कसरत से करने से और गलत तरीके से करने से ये इंसान को नुकसान से दुचार कर सकती है। तो इसका हमें फिर जो इलाज है वो, जैसे मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ जो इन बातों को समझता है, तो फिर वो उसका इलाज करता है और लड़का जो है वो एक मॉडरेट, एक मुतदिल लेवल पे आ जाता है और मुकम्मल वो सेहतमंद हो जाता है। लेकिन मैं जाते जाते ये भी बताऊँगा कि मुतदिल यानी कि मॉडरेट लेवल पे करने से इंसान को बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लोगों की तो आंखें खुल जाएंगी, फायदे इस गलत चीज़ के, लेकिन मैं आपको अपनी साइंटिफिक और ये लिटरेचर से कन्फर्म बातें आपको बता रहा हूँ कि इसके फायदे हैं अगर ये मॉडरेट लेवल पे किया जाए। मसलन इंसान की टेंशन जो है ये रिलीज हो जाती है, इंसान का जो सेक्सुअल साइकिल है जो दिमाग से शुरू होता है, टेस्टिस में जाता है, इरेक्शन होता है, ये एक साइकिल है। अगर ये साइकिल आप बिल्कुल सी सेक्स से दूर हो जाएं तो ये बंद हो जाएगा। सेक्स में रूल है यूज इट और लूज इट, या आप इसे इस्तेमाल करोगे या आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसे एक गाड़ी है आपके पास, आप उसको खड़ा कर देते हैं, नहीं चलाते, दो महीने चार महीने आप जाके सर्विस मार के देख रहे हैं, वो कभी नहीं चलेगी क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई है। एक्चुअली ये जो मैस्ट्रबेशन है ये बिल्कुल एक सेल्फ की तरह है कि आप हफ्ते में एक दिन गाड़ी को ना नहीं भी चलाते, आप उसको सेल्फ मार देते हैं, 10 मिनट स्टार्ट रखते हैं, भी बंद कर देते हैं, तो फिर देखें गाड़ी जो है वो जब चलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इनकार नहीं करेगी, वो चल पड़ेगी। इसी तरह ये सेक्स का भी एक साइकिल है, तो मैस्ट्रबेशन जो है ना वो आपका वो साइकिल जो है उसको चलाए रखती है और इंसान जो है ना सेक्स से दूर नहीं होता। अच्छा, मुतदिल लेवल में फिर ये भी फ़ायदा है कि कुछ लोगों में नींद जो है इससे बड़ी अच्छी आ जाती है लोगों को, कुछ लोगों की दर्दें वगैरह कम हो जाती हैं, कुछ लोगों में दर्दें बढ़ जाती हैं, जैसे मैंने बताया था जो कि गैर मुतदिल और निज़ामत के साथ करते हैं एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो वो दर्दों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन एक बंदा जो कि माइंड में क्लियर है कि ये ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसकी दर्दें, सर दर्द वगैरह, जिस्म की दर्द वगैरह वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। सो मैस्ट्रबेशन का जो मैं बता रहा था कि अगर इंसान तसव्वुर में, फिर ये भी होता है कि जब इंसान तसव्वुर में अगर कोई ऑपोजिट सेक्स रखता है तो उसका एक इमेजिनेटिव लिंक जो है ना अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ रहता है, जो होने वाला पार्टनर है, तो फिर वो इंसान यानी कि जो हेट्रोसेक्सुअल सेक्स है यानी कि मुखालफ जिन के साथ सेक्स है उससे दूर नहीं होता। अगर बंदा मैस्ट्रबेशन कर रहा है और तसव्वुर में कुछ भी नहीं है, खाली तसव्वुर है, तो ये अहम मुमकिन है कि फिर उसको उसमें लड़की की अट्रैक्शन कम हो जाए, लेकिन ये तसव्वुर बंदा क्या रख रहा है ये बहुत अहम है कि अगर वो लड़के का तसव्वुर रख रहा है खुदा न खास्ता तो वो फिर लड़के को देख के ही अट्रैक्ट होगा, फीमेल को देख इमेजिनेशन रख रहा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो खाली रख रहा है वो इसी का अडिक्ट वो यानी कि खवातीन यानी कि वो हेट्रोसेक्सुअल सेक्स जो है मुखालफ जिंसी अमल में वो नहीं जाएगा। सो ये चीज़ भी हमने मैस्ट्रबेशन की एक अच्छी जो सलीका है, एक तरीका है, ये चीज़ लोगों के
सामने होनी चाहिए। ये मैं बता रहा था कि हेट्रो ये जो सेक्स है, ये जो आपकी जो मैस्टर्बेशन है, ये एक मिनी सेक्स है। और हमने ये देखा है कि जो लोग सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं उनकी जो लाइफ एवरेज है वो उन लोगों की नस्बत जो सेक्स से बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहते वो तकरीबन 9 से 10 साल ज़्यादा होती है। अब खुद ही सोचें कि उनकी ज़िंदगी का स्पैन बढ़ गया क्योंकि वो सेक्स में इन्वॉल्व थे। ख्वातीन में भी जो सेक्स में इन्वॉल्व होती हैं वो ही 6 से 8 साल ज़्यादा ज़िंदगी पाती हैं उनकी नस्बत। उनके डेफिनेटली फ़ायदे हैं। जब तक आपकी शादी नहीं होती तो आप इसे मोस्टली लेवल पर ज़रूर रहें। अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू, मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।